अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी बिल्कुल ठीक हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच और हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियो पूरी देखिएगा, बहुत मेहनत से बनाते हैं। और जी ये बच्चों के लंच बॉक्स की प्रिपरेशन हो रही है, स्कूल्स ओपन हो गए हैं जैसे सबको पता है, तो साथ ब्रेकफास्ट भी बन रहा है और लंच बॉक्स भी, तो ये बच्चों के लिए तैयारी हो रही है। मॉर्निंग आफ्टर वेकेशन रूटीन चेंज हो चुकी है क्योंकि अब हमने व्लॉग्स बनाना भी शुरू कर दिए हैं साथ साथ, तो काम ये भी चल रहा है। बच्चों ने ब्रेकफास्ट में आज फ्रूट्स मांगे थे किस्मत से तो ये फ्रूट्स कट करके दिए बच्चों को। अभी रूम भी मैसी है, बच्चों को खैर से स्कूल रवाना करके अपने हस्बैंड को ऑफिस भेज के उसके बाद इंशाल्लाह बाकी सब भी घर का। फर्स्ट डे ऑफ स्कूल आफ्टर वेकेशन, कैसा लग रहा है मोहम्मद अब्दुल्ला खान आपको? थोड़ा सा अजीब फील। क्यों थोड़ा सा अजीब क्यों फील हो रहा है? इंटर बाद में आपको कैसा लग रहा है आफ्टर वेकेशन? जैसा लगता है वैसे। चेंज नहीं फील हो रहा? नर्वस फील हो रहा और क्या। चलो जल्दी फिनिश कर लो। ये मैडम सो रही हैं। और ये बच्चों का हाल, कोई फास्ट फूड चुका होता फ्रूट्स खुद ही फरमाइश पे मांगे और ये हाल है अभी तक। और जी अब मैं बनाने लगी हूँ अरवी की सब्ज़ी जिसे एरम भी बोलते हैं, तो इसको ये कट करने लगी हूँ, लेकिन इसको काटने से पहले पानी में भिगो के रखना। इसको कट करते वक्त काफ़ी लोगों को इचिंग भी होती है, कुछ लोग ऑयल भी यूज़ करते हैं ताकि इचिंग ना हो, वरना मैं तो बस यही करती हूँ कि बस जैसे पील करते हैं तो उसके बाद फ़ौरन पानी में ऐड कर दें और अच्छे तरीके से वॉश कर लें। अब ये मैं मसाला बना रही हूँ जिसमें प्याज टमाटर और हरी मिर्च है और ऑयल, बस जस्ट ये सिंपल वे में बनाएं, हाथ का टेस्ट अपना होता है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ें और अल्लाह ताला इसमें बरकत भी देता है और जायका भी देता है। जैसे जैसे मसाला बन रहा है साथ साथ मैं वेजिटेबल भी कट कर रही हूँ इसको, और जब भी इसको मसाला अच्छे तरीके से भून लें उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अगर डायरेक्ट हम इसके अंदर वेजिटेबल यानी अरवी की सब्ज़ी को इसके अंदर डायरेक्ट डालेंगे तो ये फ़ौरन हार्ड हो जाती है, तो मसाला बनने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर आप वेजिटेबल को अच्छे तरीके से वॉश करके फिर इसमें डालें, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, तो जब ये अच्छे तरीके से वॉश करके डालें थोड़ा सा पानी पहले मसाले में ऐड करके, तो ये बहुत जल्दी नरम हो जाती है, गल जाती है सब्ज़ी, अच्छे तरीके से पक जाती है। अगर पहले पानी ना डालें ऐसे डायरेक्ट ऑयल में डाल दें तो थोड़ी हार्ड हो जाती है, टाइम लेती है, गल तो जाती है लेकिन टाइम ज़्यादा। इसमें हमने सॉल्ट और रेड चिली भी ऐड किया, लेकिन रेड चिली एहतियात से इस्तेमाल करें क्योंकि अगर ग्रीन चिली आपने ज़्यादा यूज़ की है तो रेड चिली थोड़ी कम डालेंगे, क्योंकि फिर आजकल तो वैसे भी ग्रीन चिली जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। और जी हम चाय की बार बार शिफ्ट ना लगाएं ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर से चाय, अब देखते हैं पहले भी चाय वाला कहना है, पहले भी पी चुके हैं थोड़ी देर बाद, फिर खाना बनाते हुए फिर चाय याद आ गई। ये अच्छे तरीके से बस ये फ्राई हो चुकी हैं, थोड़ा सा हल्की सी ग्रेवी रखी है और फिर इसके ऊपर सब्ज़ धनिया और खुश धनिया और हरी मिर्च कट करके डालिए, ऊपर से हरी मिर्च कट करके डालें तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी होती है उसमें सालन में। तो जी ये सब्ज़ी तैयार हो चुकी है लंच के लिए, तो बच्चे भी आने वाले हैं हस्बैंड भी, तो साथ मैं बस जल्दी से रोटियां बना लेती हूँ। कुकिंग या रेसिपीज़ या टिप्स मैं आपके साथ इसलिए शेयर करती हूँ कि पका रही होती हूँ तो आप भी हमारे साथ साथ कुछ जो नहीं जिनको आता वो भी सीख लें। और जी ये आप लोगों में से किसी ने अगर खाए हों तो ये हमारे देसी पापे, चाय के साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं, अगर फ्रेश फ्रेश हों तो और मज़ेदार लगते हैं, तो चाय के साथ पापे खाना यम्मी बहुत अच्छे लगते हैं। और जी साथ साथ मैंने जल्दी से बस रूम को भी सेट कर लिया, अभी मेड नहीं आई थी, हेल्पर हमारी अभी नहीं आई थी तो वो थोड़ा लेट आती हैं, तो इस वजह से जो इतना हो सकता है कि इससे पहले कि कोई घर में आ जाए तो घर में ऐसी नहीं होना चाहिए। मैंने जल्दी जल्दी बस रूम क्लीन कर लिया, बस उसको आके स्वीपिंग करनी होगी, क्लीनिंग कर लेगी बस। तो जी ये हमारा रूम, और प्लीज़ हमारे ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़रूर किया करें, जो चीज़ भी आपको इसमें अच्छी लगे ये हमें सपोर्ट मिलेगी और हम मोटे। और जी अनमता मैडम ने मेरी शूज़ पहने हैं, बिल्कुल
हील वाले और ये अपना डांस स्टेप्स चल रहे हैं। ये देखिए मेरी बेटी पेंटिंग कर रही है। कब तक कंप्लीट होगी ये पेंटिंग? ये भी इसका आर्ट का सामान है, ये अभी पेंटिंग कर रही है, पता नहीं क्या बना रही है, क्या कंप्लीट होता है। और जी ये राइना जैनब का अपना शौक है कि वो पेंटिंग करे, आर्ट करे, तो इसके पापा भी इसको बहुत सपोर्ट करते हैं, हमसे भी इतना हो सकता है। माशाल्लाह बहुत अच्छी पेंटिंग करती है। अगर आप लोग कहेंगे, कमेंट करेंगे कि मैं इसकी पेंटिंग्स भी आपके साथ शेयर करूं, इस जो आर्ट वर्क करती रहती है, तो वो ज़रूर करूंगी इंशाल्लाह। ये बच्चों ने अपने पापा से फरमाइश की जिंगर खाने की, तो हमारी सिटी में जो जिंगर अवेलेबल हैं तो उनके पापा ने ऑर्डर किया, तो जी बच्चे जिंगर पार्टी एंजॉय कर रहे थे, हम सब ने भी मिलके खाए, माशाल्लाह बहुत मज़े के थे, टेस्टी थे, जो अवेलेबल होते हैं हमारी सिटीज़ में बहुत अच्छे होते हैं। जब हम मिले थे ना तो अदरा कहने लगी कि बहुत कम हो, हमारा वास्ते तो इतना हंसमुख है, ये तो बस मिनट। एक बार फिर से चाय हाजिर, गर्मा गर्म चना पुलाव तैयार है। आज हमने देखा है पुलाव बनाया, माशाल्लाह सेम जैसे राइस आलू के बनाए थे, तो राइस पुलाव में मैंने शेयर किया था वैसे ही बनाने के, लेकिन सिर्फ इसमें गर्म मसाला, आलू वाले राइस मैंने गर्म मसाला नहीं ऐड किया था, इसमें पुलाव चिकन का बनाया या चने का हो गया तो उसमें गर्म मसाला ऐड करती हूँ, अदरवाइज में बाकी हर चीज़ में सब्जी होती है, लेकिन हर चीज़ में गर्म मसाला अच्छा नहीं लगता है। अब हम इसको सर्व करते हैं और इंशाल्लाह हम इसको खाएंगे, अल्लाह पाक हमें नसीब करें, आप भी खाने हैं तो आ जाएं। और अक्सर ऐसा होता है कि मुझे मिले और मेरे हस्बैंड की विश होती है कि मुझे मिले। मैं कोई शेक बना रही, मज़ेदार सा मैंगो शेक तैयार है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर किया करें प्लीज़। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।